आज हम ग्रीन कलर की दो पटिया ली है। इनकी चौड़ाई 4.5 इंच ली गई है। सभी पटिया साड़ी की ली गई है और सभी पटियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची की सहायता से काट लेते हैं। दोनों पटियों के हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं और दो उंगलियों पर एक राउंड लगा लेते हैं और एक पट्टी के दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से दो उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। रिंग की गुथाई करने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है डोरमेट बनाने के लिए और पहले राउंड में एक फंदे में दो नोट लगाएंगे। नेक्स्ट फंदे में भी एक फंदे में दो नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। एक राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। यह हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। नेक्स्ट फंदे में एक नोट लगा रहे हैं। दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही नोट लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा हो जाता है। पट्टी खत्म होने के बाद में दूसरी पट्टी लेते हैं और सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इस राउंड में चौथे राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा। तो इस राउंड में एक फंदे में दो नोट लगा रहे हैं। ये हमारा चौथा राउंड शुरू हो रहा है। इस प्रकार से हमारा चौथा राउंड पूरा हो जाता है और फंदों का आकार आधा हो चुका है कि एक फंदे में दो फंदे निकालने पर और डोरमेट में किसी प्रकार का अब झोल नहीं है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा पांचवा राउंड शुरू हो रहा है और पांचवें राउंड में
एक फंदे में एक ही नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से तीन चार राउंड लगा लेते हैं एक फंदे में एक नोट लगाते हुए तीन राउंड लगा लेते हैं। अब इस राउंड में फंदों का आकार भर चुका है। जब फंदों का आकार भर जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। तो इस राउंड में एक फंदे में दो नोट लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा यह राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। फंदों का आकार आधा हो चुका है कि एक फंदे में दो फंदे निकालने पर राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं और इस राउंड में एक फंदे में एक ही नोट लगाएंगे। इस प्रकार हमारा राउंड पूरा हो जाता है। दो तीन राउंड एक फंदे का एक नोट लगाते हुए लगाएंगे और फंदों का आकार बढ़ जाता है तो नेक्स्ट राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे।